हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे सोनास किचन। और मैं हूँ सोना। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी ब्राउन्स मसाला यानी झींगा मसाला, जो कि बहुत इजी बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है। आप कोई भी आपके घर में गेस्ट आए तो ये ज़रूर बनाना। वो आपको पूछते रह जाएंगे कि ये कैसे बना है। आप देख सकते हो ये कितना टेस्टी लग रहा है और इसकी जो सामग्री है वो बहुत कम है दोस्तों। इसके लिए ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं और ये बहुत झटपट भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा बनता है। और अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम ब्राउन्स यानी झींगा। उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, उसके बाद 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको 1/2 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको झटपट बनाना है तो भी चलेगा। आप ये सब मिक्स करके रख दे, 1/2 घंटे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है दोस्तों गरम करने के लिए और ये गरम हो गई है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 4 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ करें जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और धनिया की पेस्ट। ये मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने अदरक लहसुन और धनिया की पेस्ट ली है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो पेस्ट है वो अच्छी सी फ्राई हो गई है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। ये बारीक कटा प्याज है। 1 प्याज मैंने लिए हैं बड़ा। अगर आपके पास छोटे प्याज है तो 2 लीजिएगा। और ये 2 हरी मिर्च। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों, हमें प्याज हमारा अच्छी तरह से पकाना है एकदम लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के। और ये देखिए, हमारा प्याज पक गया है। आप देख सकते हो, आपको ऐसे प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर फिर से। अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप और एक डालें, लेकिन ध्यान में रखिएगा हमने मैरिनेशन के लिए भी ऑलरेडी चिली पाउडर यानी मिर्ची पाउडर डाला हुआ है, तो आप वही हिसाब रख के डालिएगा। इसमें डालेंगे टमाटर। ये 2 टमाटर हैं बड़े, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको भी जैसे हमने हमारे प्याज पकाए हैं वैसे ही पकाएंगे ढक्कन लगा के। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन थोड़ा इसे स्मैश कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो टमाटर हैं वो लगभग पक गए हैं, लेकिन और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, बहुत थिक कंसिस्टेंसी का बने। और ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी अब इसकी। तो अभी हम लोग इसमें डाल देंगे हमारे प्राउन्स यानी झींगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के पकाएंगे। आप
देख सकते हो हमारे जो प्राउन्स हैं वो हल्का हल्का पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन खोल के इसे देखना है ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे झींगा ने मतलब प्राउन्स ने पानी छोड़ना बंद कर दिया है और ये अभी नीचे से लगने लगे हैं। तो अभी इस स्टेज पे हम लोग इसमें डालेंगे हाफ अ ग्लास पानी। दोस्तों मुझे ये थोड़ी गाढ़ी चाहिए ग्रेवी, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ अ ग्लास डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। तो अभी हम लोग इसे एक बॉयल लाएंगे, इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख पा रहे हो ये कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही अच्छी, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते जो कि इसको बहुत अच्छी टेस्ट लाएंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी प्राउन्स ग्रेवी रेडी है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल, ये कोई भी बना सकता है, इवन अ बैचलर वो भी बना सकता है दोस्तों। तो हर कोई ये ग्रेवी बना सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप ये रेसिपी ट्राई करें और अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।